हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिज़ाइन कट्टा। हम देख रहे हैं जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल। तो चलिए चलते हैं कटिया में। सबसे पहले मैं जाऊंगा जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन में। मैं ट्यूटोरियल का नाम देता हूँ। आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर है 20। सबसे पहले मैं पैरामीटर सेट करूंगा, बाय डिफॉल्ट इज़ ओके। और एक मैं वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं वॉल ड्रॉ करूँगा इस प्लेन पर। मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, मैंने वॉल बना ली है। अब चलेंगे हम आज की कमांड की ओर। आज हम देखने वाले लोअर, और हमने ये सारी कमांड्स देख ली, जैसे कि फ्लैंज कटआउट, कर्व स्टैम्प, बेड और सरफेस स्टैम्प। ये कमांड्स हमने देख ली है और यहाँ की भी सारी कमांड्स हो चुकी है। अगर आपने इसमें से एक भी कमांड अगर मिस की है तो यहाँ पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप सारी की सारी कमांड्स एक क्लिक पर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज की कमांड की ओर, लोअर। तो मैं सिंपली लोअर को क्लिक करता हूँ। मैं जैसे लोअर को क्लिक करूँगा, कुछ ऐसा विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है। स्केच देख कर आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी आज की जो कमांड है वो कैसी है। तो चलिए, मैं हमारे पास कोई प्रोफाइल नहीं है, इसीलिए मैं पहले प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा। ये प्रोफाइल मैंने ड्रॉ करता हूँ इस प्लेन पर। मैं एक रेक्टेंगुलर लूँगा और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँगा। मैं एग्जिट करता हूँ। तो सबसे पहले ओपनिंग लाइन सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं ओपनिंग लाइन सिलेक्ट करता हूँ। बाद में इसको प्रीव्यू करता हूँ। मैं जैसे प्रीव्यू करता हूँ, कुछ इस तरह हमारा प्रीव्यू ओपन हो जाता है। अब इसे चेंज करके आपको बता दूंगा। जैसे कि हाइट 4 mm, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको हाइट, ये हाइट है। तो मैं सबसे पहले हाइट चेंज करूँगा। मैं हाइट डायरेक्टली ले लेता हूँ 20 mm हाइट लेता हूँ। फिर इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो ये देखिए, हाइट हमारी आ चुकी है। ये देखिए, ये हाइट है। अब मैं चेंज करूँगा एंगल नंबर 1, जो कि ये एंगल नंबर 1 है, जो कि फ़िलहाल तो 0 है, लेकिन मैं जैसे चेंज करूँगा, जैसे कि मैं अभी करता हूँ इसको 30 डिग्री, तो मैं इसको करूँगा 30 डिग्री। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, चेंज हो चुका है। अब मैं एंगल नंबर 2 चेंज करता हूँ, कम करूँगा और फिर आपको इसका प्रीव्यू करके बता दूँगा। मैं इसका फिलहाल प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा जो है नीचे जा चुका है। अब मैं इसे फिर से कुछ कम कर लेता हूँ ताकि आपको फ़र्क जो है साफ दिखे। ये देखिए, ये आपको फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रेडियस 1, मैं इसको सिर्फ करता हूँ 8 mm। तो फिर भी वो करता हूँ। ये देखिए, ऊपर के साइड का जो रेडियस है वो बढ़ चुका है। अब मैं जो रेडियस 2 है, अब उसे मैं सिर्फ बढ़ाऊँगा 4 mm। तो मैं इसको 4 mm करता हूँ और फिर से प्रीव्यू करता हूँ। ये देखिए, ये भी चेंज हो चुका है। इस प्रकार हमारा जो लोअर डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड फाइल है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कैटलॉग का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कैटलॉग आपको यूज़ हो सकता है। अगर आपको लोअर डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगला वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।